हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम मुरमुरे के पोहा बनाने जा रहे हैं। तो मुरमुरा मैंने यहाँ पर ले लिया है अपने क्वांटिटी के हिसाब से। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हों आप उस हिसाब से मुरमुरे ले लीजिए। तो यहाँ तो मैंने मुरमुरे ले लिए हैं और यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल काट लिए हैं, जैसे कि आलू, प्याज, हरी मिर्च, गोभी। आप सब्जियों को और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि गाजर भी डाल सकते हो। बच्चों को ना पसंद हो वो इस बहाने खा भी सकते हैं, पर मेरे पास गाजर नहीं था इस वक्त, तो मैंने गोभी और आलू, प्याज और हरी मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पतीले में एक मैंने पानी ले लिया है और ये आधा लीटर के करीब पानी है, तो मुरमुरे को हमें इसमें भिगो देना है 10 मिनट के लिए। पानी के अंदर से धीरे धीरे डिप कर देना है मुरमुरे को। तो सारे मुरमुरे को मैंने पानी में सोक कर दिया है 10 मिनट के लिए। इसमें कुछ धान के जो लावे होते हैं वो भी हैं ये, तो इसे साइड में रखते हैं। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है, इसमें थोड़ा सा आयल डालेंगे। तो आयल तो हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं पीनट को और धीमी आंच पे हमें इसे फ्राई कर लेना है। हमें फुल आंच बिल्कुल नहीं करना है, धीमी आंच पे हमें इसे भूनना है ताकि अच्छे से भून जाए, अच्छे से पक जाए पीनट जो हमारा है। कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इस जगह अगर तेज आंच कर दोगे तो आपका पीनट जल्दी से लाल हो जाएगा, यानी कि अच्छे से अंदर से ये भून नहीं पाएगा। तो इसे धीमी ही आंच पर हम भूनेंगे। आंच को थोड़ा सा मीडियम कर दिए हैं क्योंकि ये मोटे तले की कढ़ाई है, थोड़ा हीट होने में टाइम लगता है, तो कभी मीडियम कर दीजिए, कभी कम करके इस तरह से आप फटाफट इसे भून सकते हैं और अच्छे से भुन भी जाता है। तो लीजिए, पीनट तो हमारा काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। एक चम्मच के करीब इसमें ऑयल बचा है, एक चम्मच के करीब और डाल देते हैं। तो हम बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस एक चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। इसे गर्म होने देना है, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, इसे हम निकाल लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं राई आधी छोटी चम्मच। हम जीरा डाल देते हैं। जीरा को तड़कने के बाद हम इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च। साथ में हम डाल देते हैं प्याज को भी। इसी के साथ डाल देते हैं करी लिप्स। प्याज हल्का सा भुन जाए, इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। बहुत थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी छोटी से भी कम हमने डाल दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं गोभी को। मसालों के साथ गोभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसी के साथ जाएगा आलू, इसे भी मिक्स कर दे रहे हैं। अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है, आलू और गोभी को जल भी ना जाए और ये पक भी जाए अच्छे से, यानी कि जले भी ना और पक भी जाए अच्छे से, हल्के से गोल्डन ब्राउन हो भी जाए।
यहाँ मैं नमक डाल दे रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक आप डाल दीजिए। थोड़ा सा हम खोल कर फ्राई करेंगे, इसके बाद ढक्कन लगा देते हैं। बीच बीच में हमें चलाते रहना है। अब इसे कवर कर देते हैं और पकने देते हैं आलू और गोभी को। यहाँ पर हमारे मुरमुरे भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे हम पानी से अच्छे से गार लेना है। पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि पानी बिल्कुल ना रह जाए। एक प्लेट में निकालते जाना है। तो मुरमुरे को मैंने निकाल लिया है पानी से, निचोड़ के अच्छे से। इसका पानी बिल्कुल नहीं रह गया है मुरमुरे में। अब तो सब्जियों को चेक कर लेते हैं। इसे दोबारा से हम चेक कर ले रहे हैं। हमें कवर कर देना है क्योंकि अभी आलू गोभी बिल्कुल नहीं पका हुआ है। तो चेक कर लेते हैं सब्जियों को। थोड़ा सा खोल कर हम पकाएंगे और आलू को चेक कर ले रहे हैं इस तरह से। तो आसानी से ये पलटे में लग जा रहा है, मतलब कट जा रहा है पलटे से। एक मिनट तक इसी तरह से हम भून लेते हैं उलट पलट के। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मुरमुरे को। डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं पीनट को। पीनट को भी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। एक मिनट तक के लिए हम ढक देते हैं। सिर्फ एक मिनट के लिए हम ढकेंगे। यहाँ पर एक मिनट हो चुका है। इसे हमें अच्छे से चला देना है। थोड़ा सा हम दो मिनट के लिए खोल कर पकाएंगे ताकि जो थोड़ा बहुत अगर पानी होगा तो सूख जाएगा। यहाँ पर आधा लेमन का जूस हम डाल दे रहे हैं। और मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं इस जगह। और गैस का फ्लेम बिल्कुल कर देंगे बंद, क्योंकि नींबू मैंने डाल दिया है। और ऊपर से डाल देते हैं फ्रेश हरी धनिया। इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। गैस को बिल्कुल हमने बंद कर दिया है। इसे हमें गर्मा गर्म सर्व कर लेना है, निकाल लेना है प्लेट में। सो लीजिए, हमारे मुरमुरे की पोहे तैयार हैं और ये गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो कैसी लगी हमारे मुरमुरे के पोहे,
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर अपने कान्हा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।